हमारा देश भारत कई विभिन्नताओं का संग्रह है। यहाँ कई अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदुओं के प्रमुख देवताओं में से हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव। वैसे तो मुख्य रूप से विष्णु और शिव की पूजा करने का विधान है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि सृष्टि के रचयिता यानी ब्रह्मा देव की पूजा क्यों नहीं की जाती? ब्रह्मा देव के नाम पर पूरे विश्व में कुछ ही मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें से सबसे पुराना मंदिर है पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें और ब्रह्मा जी की पूजा क्यों ना करने का कारण। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस मंदिर यानी पुष्कर मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। इसमें एक सुंदर नक्काशीदार चांदी का कछुआ है, जो विभिन्न अंग तुको द्वारा दान किए गए चांदी के सिक्कों के साथ संगमरमर के फर्श पर स्थापित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में उनकी दुल्हन यानी गायत्री के साथ ब्रह्मा जी की 4 मुखी मूर्ति भी है। पुष्कर के कई मंदिर हैं जो अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। दरअसल एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर अपने भक्तों की भलाई के लिए यज्ञ करने का विचार बनाया था। यज्ञ की जगह का चुनाव करने के लिए उन्होंने अपने एक कमल के पुष्प को पृथ्वी पर भेजा और जिस स्थान पर कमल गिरा उसी जगह पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के लिए उस जगह को चुन लिया। ये जगह राजस्थान का पुष्कर शहर था, जहां उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब बन गया था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ठीक समय पर नहीं पहुंची। यज्ञ करने का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था, लेकिन सावित्री का कुछ पता नहीं था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुंच चुके थे। ऐसे में ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह करके अपना यज्ञ शुभ समय पर शुरू किया। कुछ देर के बाद गायत्री यज्ञ स्थल पर पहुंची और ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को देख वो क्रोधित हो गई। सावित्री ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि इस पृथ्वी लोक पर उनकी पूजा कहीं भी नहीं की जाएगी। इस श्राप को देखते हुए सभी देवी देवता ने जब सावित्री से आग्रह किया कि वो अपना श्राप वापस ले ले, तब उन्होंने श्राप वापस लिया और कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। तब से इस मंदिर का निर्माण यहीं पर किया गया है। ये मंदिर पुष्कर लेक के किनारे स्थित है और ब्रह्मा देव के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ये मंदिर हर साल टूरिस्ट और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहा जाता है कि पुष्कर की खूबसूरती देखते हुए ब्रह्मा देव ने स्वयं इस मंदिर को चुना था। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक पुष्कर दुनिया का इकलौता ऐसा जगह है जहां पर ब्रह्मा जी की स्थापना की गई है और यहां पे इनकी पूजा होती है, और इस जगह को हिंदुओं के पवित्र स्थलों के राजा के रूप में वर्णित किया गया है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण करीबन 2000 वर्ष पहले हो चुका था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वास्तुकला के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ है ऐसा माना जाता है। पुष्कर को मंदिर की नगरी भी कहा जाता है, लेकिन औरंगजेब के शासन के दौरान यहाँ अमूमन हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया है। लेकिन आज भी पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा मंदिर और अन्य मंदिर ज्यों के त्यों स्थित है। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर झील ब्रह्मा जी के कमल की एक पत्ती से बना है, जो हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र झील है। कई विशेषताओं को अपने आप में समेटे हुए ये मंदिर वास्तव में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और आप सभी को इस मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना तो प्लीज मत भूलिएगा। तो हम आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।